Hey guys, I'm Prakshit and welcome to my YouTube channel. हाँ भाई, नई वीडियो, नया दिन और नई लोकेशन. तो भाई आज का ऐसा सीन है, आज मेरे पेपर थे तो पेपर दे के अब निकला हूँ बाहर. देख रहे हो वादियों में पेपर दिए जा रहे हैं, जन्नत में अपनी है. तो भाई आज का ऐसा सीन है, देखो अब बज रहे हैं डेढ़ के आसपास, 1:30 हो रखे हैं. इसलिए कहीं बाहर मतलब बुक जगह मतलब उधर जाने का तो आज फायदा है नहीं, या कोई अच्छी जगह जा रहा था उस चीज़ का तो मेरे ख्याल से मेरे को कोई फायदा लगता नहीं है. तो अब आस पास की आरमचे नई जगह आस पास वो कर ढूंढते हैं और उधर ही घूमने जा रहे हैं. तो मैंने लोगों से पता किया, अभी थोड़ा सा पास आओ. तो मैंने लोगों से पता किया है इधर है काफ़ी अच्छा वाटरफॉल एक, तो अपने वाटरफॉल ढूंढ लिया है. ये लोग गूगल वगैरह पे टाइप करके लोगों से भी पूछ लिया किस रास्ते में जाना है. भाई ठंड लग रही है, माउंटेन की वजह से थोड़े सांस भी चढ़ रहे हैं तो फंबल हो सकते हैं एक दो वर्ड, तो उसको इग्नोर किया जाए. बाकी हाँ भाई वाटरफॉल की तरफ चलते हैं और आप जा रहे हैं आज ट्रैकिंग पे, मतलब पहाड़ चलेंगे पैदल क्योंकि 3.5 या 4 किलोमीटर का रास्ता है. तो मैं यूँ सोचा यहाँ पे टैक्सी तो मिलती है नहीं, अगर लूँगा तो वे 100-200 ग्रेन ऐसे बोलेंगे. ट्रैकिंग हो जाएगी, थोड़ा सा खाया पिया भी हजम हो जाएगा, पेट भर क्या ही हुआ है. तो बस ट्रैकिंग भी हो जाएगी और वाटरफॉल भी देखा जाएगा और उसके बाद अगर जैसा भी सीन हो वो बता दूंगा मैं आगे. चलो चलते हैं. वाह एक नंबर जगह यार, यहाँ पर गर्मियों में भी आने का फायदा है, मस्त ग्रीनरी हो जाती होगी इन पहाड़ों में. यो इधर का छोटा सा रिमक हर जगह है. इधर ना चाय बहुत ज्यादा फेमस है, सारी जगह चाय ही चाय है, हर जगह हर दुकान में चाय तो जरूर मिलती है. और ये सेब साफ सुखा रखे हैं, ये सुखावट कैसे है पता नहीं, धूप तो होती है इधर. तो देख लो मतलब इतना छोटा सा रिनक यार रहता है, पर इनके लिए मेरे ख्याल से इनफ है क्योंकि इधर ज्यादा आबादी है नहीं और लोग भी थोड़े हैं और मेरे ख्याल से इधर ज्यादातर टूरिस्ट ही आते हैं और टूरिस्ट का ही सामान रखा था. रिनक में भी खास वो दुकानें थी नहीं. 3 रिनक देख चुका मैं छोटी सी जगह में, वैसे छोटे छोटा इलाका है वैसे तो. बाकी और घूमते हैं रास्ते में, सब जो मिलते हैं दिखाते रहते हैं. और हाँ इधर शॉल बहुत अच्छे मिलते हैं, किसी ने चाहिए मंगवाना हो तो बता देना. वाह ये देखो इधर जो इधर पीछे लिखा हुआ था, इधर ये जो नहर है ना, तो ये गर्मियों में मेरे ख्याल से थोड़ी सी और ज्यादा आ जाती है तो ठंड होगी भाई और बहुत ज्यादा. स्नोफ्लेक्स फिर से शुरू हो गया है और अपना भी और दूर है और मैं गया हूँ थक. पहाड़ी यूं चढ़ना थोड़ा सा अजीब लगा है ये देखो इस साइड. वाह जन्नत है जन्नत है. ईगल लेके फोटो खिंचवाने लग रहा हमें कहाँ जाना है, हमें उधर जाना है. पहुंच गए आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद. ओह पहाड़ा पे इतना चलने के बाद रिनक मिल गई, ये तो नहीं सोचा था. वाइट अस्की इधर के कुत्ते बड़े भालू जैसे हैं. अभी हमें रास्ता ढूंढ लिया है. एक नंबर जगह है, एक नंबर. मशक्कत के बाद अपन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं. रुको ये क्या हो गया, ये मेरा नहीं क्यों करने लग रहा है, मेरा कैमरा अलग अलग कलर दिखा देता है फेस के. रुको एक सेकंड ये एडजस्ट कर लो, फिर अलग दिखा दिया. दिखाऊं जन्नत,
ये क्या हो गया, रुको एक सेकंड, वो हो गया, पहुंच गए। लुको मैं आगे वाला रियर कैमरा ऑन करता हूँ तो दिख जाएगा। वैसे काफी सुंदर जगह है और आपको मीठी मीठी आवाज आ ही रही होगी। बाकी सब क्लासिक लग रहा है। चलो आगे देखो, बोलने को शब्द नहीं अभी मेरे पास। जगह काफी अच्छी है, बस ये बता देता हूँ। वाह, ये देखो अभी उधर फोटो सेशन होगा, काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई यादों में। आराम तो चलना पड़ेगा, पत्थर पत्थर आ गए। आ जा, वाह अब लग रहा है क्लासिक। वाह यार, एक नंबर की जगह आ गए। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और अभी तो बर्फ भी जमी हुई है। मैं बीच में जाना चाहता हूँ पर दोस्त रोक रहे हैं। देखो वो उधर उधर तक है, हम उधर जाके फोटो खिंचवाते हैं ना, इधर तो सारी दुनिया दिखने लगी थी। अब अपा और थोड़ी सी आगे आ गए उसी के नहर के सारे सारे नहर बोल रहा हूँ। वाह, जन्नत में पहुंच चुके हम। इधर लकड़ी काटने का काम हो रहा है, हम और चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैंगे और एक्सप्लोर करते हैं। अभी आगे जाते हैं और देखते। ओ देखा, आगे आने का वो मिल गया ना फल, ये और ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो अगर मैं उधर तक दिखा पाया तो बहुत ज्यादा हाथ कट गए। वैसे दिख रहा है, बस इतना ही था। ये इधर बैठ के एक फोटो खिंचवाई जाएगी, अभी इंस्टा पे फॉलो कर लो। कल सब तो ऊपर थे, आज सब तो नीचे है। वाह, इतना ज़्यादा क्लियर है ना, मैं अगर हो सके तो कैमरा जस्टिफाई कर दे तो हाँ दिख तो रहा है। कती क्लियर, कतई क्लियर। मैं पड़ गया, बच गया, पड़ गया, ताई मुंह लगता धरती में। वाह, अभी अपा ऊपर खड़े हैं पुल के। और ये देखो, ओ वाह, यूक्रेन के असली मजे दिलवा रहा हूं मैं। वाह यार, एक नंबर लग रहा है मेरे को तो। अब ये फ्लाई ओवर क्रॉस करके उस साइड जाएंगे और देखते हैं कैसा कुछ। ये देखो रिनक बहुत है, मतलब रिनक नहीं कह सकता अभी इसको, अपने भी घूमने फिरने की जगह में तो सारी चीज होती है ये सब। बस यार आज की वीडियो इतनी थी, छोटी सी वीडियो, छोटा सा दिन पर नजारे खूबसूरत। तो यार एक एंडिंग देखो, एक और जन्नत की साइड हम एंडिंग करते हुए इधर हम पुल पे खड़े हैं। तो इधर से तो हम आज काफ़ी घूम लिए, आज का सीन इतना था क्योंकि मैंने शुरुआत में बता दिया था पेपर वगैरह थे तो थोड़ा सा ही टाइम था।
पर वीडियो काफी अच्छी बनी है और फोटोज भी बड़ी अच्छी आई है। मैंने वीडियो से ज्यादा फोटोज को जोड़ देखा। चलो कोई बात नहीं, तो आज की वीडियो इतनी थी और कल का सीन मैं बताऊंगा जैसा भी बनेगा, क्योंकि कल हम जाएंगे 3-4 जगह पे। इन्वर्टेड हाउस है, थोड़ा सा वो दे देता हूँ हिंट सा, इन्वर्टेड हाउस है, डाइनो पार्क हो सकता है शोर भी आप, क्योंकि बहुत दिन आम भी अभी अपने पास, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कहेंगे। डाइनो पार्क है और एक जू पार्क है, मतलब चिड़ियाघर टाइप है। तो आज की वीडियो तो इधर ख़त्म करता हूँ और अपना डायलॉग बोलते हैं और एंड करते हैं। मेहनत मेरी, रहमत उसकी और प्यार आप लोगों का।